तो यार गाइस, आज के वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी अपडेट मिलने वाली है जिससे आप बहुत खुश होने वाले हो। पर उस बड़ी अपडेट से पहले मैं आपको छोटी छोटी अपडेट्स दे देता हूँ जिससे आपका दिन और भी ज्यादा अमेजिंग होगा। तो यार हमारी पहली न्यूज है, बीब्लेड V4 रीस्टार्ट हो चुकी है हंगामा शाह पर थर्सडे रात के 11:30 बजे से, तो आप फिर एक बार इसे देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो यार हमारी अगली अपडेट है डोरेमोन दोस्त के बारे में, क्योंकि डोरेमोन की एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है स्टील ट्रूप्स आ रही है हंगामा चाव पर थर्सडे दोपहर के 11:30 बजे। तो यार आप जरूर देखे, क्योंकि यार स्टील ट्रूप्स मेरी फेवरेट डोरेमोन मूवी है, यानी कि इसको कितना बार भी देख लूं ना फिर भी मतलब मन एकदम ये होता है, क्योंकि यार इसकी एनिमेशन एक्शन सब कुछ एक लेवल पर है, यानी कि पॉइंट पर है यार। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा ये मूवी देख लो, क्योंकि यार ये मूवी देखने के बाद आपको एक्चुअल में डोरेमोन से प्यार हो जाएगा। तो जरूर देखिए और एंजॉय कर लेना। तो यार हमारी अगली अपडेट है डीमन स्लेयर सीजन 2 ब्रॉडकास्ट होगी 2 पार्ट्स में। पहली पार्ट आएगी फॉल 2021 यानी कि अक्टूबर 2021 में, और सेकंड पार्ट आएगी विंटर 2022 में, जो कि काफी अमेजिंग बात है। पर पर्सनली मुझे ये 2 पार्ट्स का सिस्टम एक्चुअल में पसंद नहीं है। अब जानते हो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 1 रिलीज हो चुका है, पर पार्ट 2 अब जाकर रिलीज होगा। तो यार पता नहीं ये ट्रेंड सारे एनिमे क्यों फॉलो कर रहे हैं, जो कि काफी इरिटेटिंग बात है यार, क्योंकि यार आप एक सीजन के लिए इतना वेट करते हो, फिर बाद में ये लोग 12 एपिसोड्स दिखाएंगे, फिर बाद में आप पूरा 1 साल इंतजार करो, उसके बाद बाकी का जो दूसरा पार्ट है वो आएगा। तो इट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग है कि बार में सब कुछ दिखा दो ना, वीकली बेसिस पर नहीं, पर इस दौरान क्या पता एनिमेशन स्टाइल पर और अच्छा काम किया जा सकता है, कुछ प्लॉट्स को फिलअप कर सकते हैं ये लोग, तो देखते हैं क्या होता है। पर आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में ये मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बता देना। तो यार हमारी अगली अपडेट है वर्ल्ड एंड हारेम की, एनिमे आएगी अक्टूबर 9 से, जो कि काफी अमेजिंग बात है दोस्तों। तो यार ओरिएंट एनिमे का टीजर बाहर आ चुका है, एनिमे आएगी जनवरी 2022 में। तो यार कहीं जाओ मत, क्योंकि अभी भी बड़ी न्यूज का आना बाकी है। पर यार अगर इन केस आप चैनल पर नए आए हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज सबसे पहले देखने को मिलती है दोस्तों। तो यार और कहीं क्यों जाते हो यार, यहाँ पर आओ सब्सक्राइब करो और मजे करो अच्छे अच्छे न्यूज पाकर। तो यार चलो आगे। तो यार अब बात करते हैं उस एनिमे के बारे में जिसके लिए आपने वीडियो क्लिक किया, जो थंबनेल पर है, जो टाइटल में है और जो आपके दिल में भी है, यानी कि पोकेमोन के बारे में। और गाइस पोकेमोन की एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि जैसे कि मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कहा था पोकेमोन सीक्रेट ऑफ द जंगल मूवी आने वाली है लीगली इंडिया के अंदर, पर गाइस अब कंफर्म हो चुका है कि ये हिंदी में भी डब होने वाली है, जो कि काफी बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो यार पोकेमोन मूवी सीक्रेट ऑफ द जंगल नेटफ्लिक्स पर आने वाली है अक्टूबर 8 को जापानीज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में, जो कि काफी कमाल की बात है। अब हमारे तमिल और तेलुगु दोस्तों के लिए कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि तमिल तेलुगु की फिलहाल के लिए तो कोई अपडेट नहीं है दोस्तों, पर हिंदी में ये आने वाली है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। अब मैं पर्सनली तो चाहता था कि ये मूवी मार्वल एचक्यू या फिर हंगामा चाह पर आ जाए, जिससे काफी ज्यादा लोग इसे देख पाते थे यार, यानी कि क्रेज आप समझ सकते हो कितना बड़ा होता था। पर यार अनफॉर्चुनेटली ये नेटफ्लिक्स इंडिया पर ही आएगा, तो यार आपको लीगली अगर इसे देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, पर इलीगली आप देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, पर इसमें फायदा आपका होगा, आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा, पर पोकेमोन कंपनी को इंडिया से नुकसान होगा। तो यार ये आप पर है कि आप पोकेमोन कंपनी का इंडिया में नुकसान करवाना चाहते हो, या फिर जिस प्यार से आप पोकेमोन को देखते हो उसी प्यार से आप उसे सपोर्ट करना चाहते हो, ये सब आपका डिसीजन है। और अब मैं समझ सकता हूँ यार आपको गुस्सा आता होगा कि यार ये नेटफ्लिक्स क्यों आ रहा है, बीच में इसे टीवी पर आना चाहिए था, पर यार क्या करें, ये बड़े बड़े कंपनीज वाले लोग हम जैसे लोगों की बात नहीं सुनते यार। तो यार अब देखते हैं क्या होता है। पर यार इस अपडेट के लिए एक बड़ा थैंक यू जाता है वीप सेंट्रल के इंस्टाग्राम पेज पर। तो यार दोस्तों मेरे बहुत सारे वीडियोज में जब मैं एनिमे की न्यूज कवर करता हूं तब वीप सेंट्रल का एक बहुत बड़ा हाथ उसमें होता है, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स मुझे उनके ही इंस्टाग्राम पेज से मिलती है और वो अपडेट्स मैं आपको देता हूं। तो यार वीप सेंट्रल को एक्चुअल में एक बहुत बड़ा थैंक यू है दोस्तों, उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाओ और उनको थैंक यू कह देना, क्योंकि यार वो लोग कमाल का काम कर रहे हैं, यानी कि अगर वो ये अपडेट पोस्ट नहीं करते तो मुझे पता भी नहीं चलता एक्चुअल में। तो यार थैंक यू वीप सेंट्रल, क्योंकि आप लोग बहुत कमाल का काम कर रहे हो यार, हैट्स ऑफ टू यू। तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे एनिमे न्यूज के लिए तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम, खुद का ख्याल रखें ऐसे बुरे वक्त में, कीप वॉचिंग ज़ेड ड्रैगो एक्स योर ट्राइबल चीफ।